Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 2nd, subject Hindi 2nd. Students, up to chapter 7, work was over. Now, today we will start chapter 8. Let us see. Chapter 8 में बच्चों, अनीमा और अनीमा की नन्ही बिल्ली की कहानी दी गई है. असमिया कहानी है. और इस कहानी में एक छोटी सी बिल्ली है, जिसका नाम पूसी है. और उसकी एक छोटी फ्रेंड, बच्ची जो है, अनीमा है. उन दोनों में तो बड़ा प्रेम है, लेकिन उनके परिवार वाले पूसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते. लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि पूसी पूरे ही परिवार की बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई. आइए पढ़ते हैं कहानी. अनीमा उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर लिया. सफ़ेद रोएदार बड़ी सुंदर थी वह नन्ही बिल्ली. अनीमा के गोद में लेते ही वह आँखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगती. कितनी शांत है वह बिल्ली, पर घर का और कोई व्यक्ति उस बिल्ली को ज़रा भी पसंद नहीं करता. किसी को भी वह फूटी आँखों नहीं सुहाती थी. अपनी हरकतों से वह सबके लिए सिरदर्द बनी हुई थी. कितनी झंझट खड़ी कर देती थी वह, अब क्या गिनाए. माँ कहती, अरे अनीमा, अपनी बिल्ली को तो खुद संभाले रखना. हाँ, करगे पर बुनने के लिए मैंने जो सूत चढ़ा रखी है उसे देख, तेरी बिल्ली ने सारे सूत को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया. अब अनीमा बैठी बैठी करगे के सूत जोड़ने लगी. बहन कहती, अरे तेरी बिल्ली ने मेरी ऊन की गड्डी को उलझा पुलझा कर बर्बाद कर डाला. अनीमा बिल्ली को थप्पड़ लगा बहन की उलझी पुलझी ऊन को सुलझाने लगी. बाद में पूसी से धीमे से पूछा, क्यों रे पूसी, क्या ज़्यादा चोट लगी है तुझे, आखिर तू इतनी नटखट क्यों है. पूसी आँखें बंद कर कहती, म्याऊं म्याऊं. यहाँ तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन अचानक उस दिन एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि तूफान ही मच गया. अनीमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज़ पर ग्लोब रखा था. उस दिन पूसी उसी मेज पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी. वह हत्ते से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती. उसका खेल देखकर अनीमा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था. मगर एक बार जब पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की स्याही की दीवार पर जा गिरा. स्याही की दीवार छिटक कर पिताजी के किताब कागज़ों पर उलट गई, फिर वहाँ से छिटक कर फर्श पर जा गिरी. किताब कागज़ मेज फर्श सब और स्याही फैल गई. अनीमा चाहती थी कि चुपचाप स्याही को धोटा ले, मगर वह माँ गया तो पकड़ी गई. शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे, सब कुछ देखकर गुस्से के मारे गंभीर हो उठे. स्याही गिरने से उनकी बहुत सी कीमती किताबें और कागज़ खराब हो गए थे, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा. शाम होने के बाद वह खुद बिल्ली को उठाकर बहुत दूर ले जाकर छोड़ाए. सब लोग सोच रहे थे, चलो बिल्ली के उपद्रवों से अब तो छुटकारा मिला. पर अनीमा रो रही थी. देर रात तक उसे नींद नहीं आ रही थी, पर क्या करती, आखिरकार अनीमा रोती से सकती सो गई. जाड़े की रात थी, मकान के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर सब लोग सो गए थे. अनीमा की नींद जरा सी खुली. उसे लगा उसके गाल पर नर्म नर्म सी कोई चीज़ लग रही है. उसकी आँखें खुल गईं, देखा, अरे यह तो उसकी प्यारी पूसी है. कुछ सोचे समझे बगैर वह ऊँची आवाज में बोल उठी, पूसी मेरी पूसी तू आ गई. उसकी आवाज़ से पिता की नींद खुल गई. उन्होंने सोचा, मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद हैं, पूसी आखिर यहाँ कैसे आ सकती है उतनी दूर से. जरूर अनीमा सपने में बड़बड़ा रही है. तभी अचानक उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी. अरे दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन खुला कैसे, सोने से पहले ही उन्होंने तो खुद दरवाजे को बंद किया था. वे चौंक कर उठ बैठे. उनकी नज़र पड़ी दो परछाइयों पर, जैसे कोई घर के अंदर से निकलकर जा रहा था. ऊंची आवाज़ में चीवे चीख पड़े, अरे चोर चोर. आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए. एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा कर चोर घर में घुस आए थे और दरवाज़ा खोल तो लिया, पर वे कुछ ले नहीं जा सके. उधर पूसी अनीमा का घर ढूंढती हुई वहाँ किसी तरह से पहुँचकर दरवाजे के पास दुबकी हुई थी. चोरों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह चुपके से अंदर घुस आई और सीधे अपनी अनीमा के बिस्तर पर चढ़कर उसको जगाने लगी. उधर पूसी की चिंता में कोई अनीमा उसे देखते ही पुकार उठी, पूसी मेरी पूसी तू आ गई. बस सब लोग जाग गए. चोरों के निकल भागने के बाद अनीमा के पिता ने उसके हाथ से पूसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, हमारी अच्छी नन्ही पूसी, आज तो तेरे ही कारण हम बच गए. अनीमा की आंखों से बहते आंसू थम गए थे, उसके चेहरे पर खुशियां मुस्कुरा रही थी. तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, समय और परिस्थितियां अप्रिय को भी प्रिय बना देती हैं. यानी हमें जो इंसान नहीं अच्छा लगता या जो भी चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन कभी कभी समय और परिस्थितियाँ ऐसे चेंज हो जाती हैं कि वो भी हमें अच्छा लगने लगता है. आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास में. सबसे पहले देखेंगे शब्द अर्थ. मुसीबत, विपत्ति,
झंझट परेशानी, खुद स्वयं, फर्श समतल जमीन, उपद्रव उत्पात। तो बच्चों ये शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर की सारी और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर फिलअप वगैरह कराएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।